कबीर जैसे संतों को हम पढ़े हैं तो, खोया कहे सो बाबरा, पाया कहे वो कूर, खोया पाया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मेति चायुक्तो देहिष्मिन पुरुषापरा। भगवत गीता का 13वां अध्याय। खैर ये बातें बहुत तात्विक होती हैं, बहुत दार्शनिक होती हैं, बहुत आध्यात्मिक और व्यवहारिक होती हैं। हमें पुराण को विवेक पूर्वक सुनना चाहिए। और रामचरितमानस एक ऐसा पुराण है, ऐसा ग्रंथ है, इसमें तीन नगरों की कथा आती है मूलतः। यूं तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक जनकपुर है, एक अयोध्या है, एक लंका है। क्योंकि तो जगत में तीन प्रकार के जीव जन्म लेते हैं। गोस्वामी के दर्शन के अनुसार विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग भेद बखाने। एक विषयी प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ साधक प्रवृत्ति के होते हैं और कुछ सिद्ध कोटि के होते हैं। मेरे भाई बहन, अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे संपन्न शहर कौन सा है? अयोध्या, जनकपुर या लंका? याद रखना, लंका पूरा स्वामी का है। लेकिन अगर सच में देखा जाए, रावण भले ही सोने की लंका में रहता है, लेकिन कभी उसने एक तोला दान किया हो ऐसा कहीं नहीं दिखाया। इसलिए वो जो वहां रहने वाले लोगों की जो प्रवृत्ति है ना, वो विषयी प्रवृत्ति के जीव हैं, वो राक्षस हैं। अयोध्या के लोग दान तो करते हैं, राम जन्म होता है तो सर्वस दान दीन सब काहू, हाटक देन वशन मनि, नृप विप्रन कह दीन। लेकिन अगर परमात्मा से मिलन हो जाता है तो परमात्मा से मांगते हैं, और परमात्मा से परमात्मा को ही मांगते हैं। ये साधक की दृष्टि होती है। इसलिए तो आप लोग खाटू श्याम में जाते हो ना, या खाटू श्याम की जब भजन संध्या कराते हो तो उसमें खाटू श्याम से मांगते हो, देना हो तो दीजिए, ठाकुर से ठाकुर को मांग लेना, जन्म जन्म का साथ। ये साधक की प्रवृत्ति होती है। लेकिन सिद्धों की जो प्रवृत्ति होती है ना, अगर परमात्मा भी उनके जीवन में आता है ना, तो उससे भी कुछ नहीं मांगते हैं। चाही न चाहिए कबहू किछु, अयोध्या कांड, तुम सन सहज स्नेह, उनको कोई मतलब नहीं है। उस जनकपुर में अगर राघव भी आते हैं ना, तो राघव से मांगते नहीं है, बल्कि राघव को भी कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं। ये सिद्ध कोटि के महापुरुषों का जीवन होता है। इसलिए अगर देखा जाए तो भौतिक संपन्ना में तो लंका बहुत है। इसलिए कई लोग भौतिक संपन्न बहुत होते हैं, लेकिन कौन कितना संपन्न है ये महत्वपूर्ण नहीं, कौन कितना प्रसन्न है। कई लोगों के पास में बहुत संपदा होती है, लेकिन फिर भी मानसिक रोगी होके जीते हैं। कई लोगों के जीवन में कम साधन होते हैं, लेकिन फिर भी आनंद ज्यादा होता है। साहब, उन गांवों के लोगों को देखो ना, वो कभी पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं, दोनों पति खेत पे काम करता रहता है, पत्नी बिचारी घर से खाना ले बना के ले जाती है, प्रसाद बना के ले जाती है, कलेवा ले जाती है, और दोनों पेड़ वृक्षों की हरियाली में उस फसल के बीच में बैठकर, ये हमारे देश का जो किसान है, जो अन्नदाता है देश का, उसकी उपेक्षा मत करो। हम उसे क्या दे सकते हैं? राष्ट्र के लिए हमें ऐसे एक व्यवस्था का निर्माण करना होगा कि देश का अन्नदाता, देश का अन्न पैदा करने वाला व्यक्ति भी। और मुझे तो वो जीवन बहुत अच्छा लगता है जहां साधन कम होते हैं लेकिन खुशियां ज्यादा होती है। वरना मैंने कभी कभी बड़े बड़े लोगों को देखा है, वहां संपन्नता बहुत होती है लेकिन व्याधियां बहुत होती हैं। तन भी रोगी होता है, मन भी रोगी होता है। और याद रखना मेरे भाई बहन, अनीति पूर्वक संपत्ति तो जीवन में आ जाती है, लेकिन कभी कभी वो चीज हाथ से निकल जाती है जिनको हम संपत्ति से नहीं खरीद पाते हैं। ऐसी चीज हाथ से निकल जाती है ना, वो संपन्नता भी और कष्ट देती है, और चुभती होती है, अंदर से पीड़ा देती है। सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं है। इसलिए रावण की लंका में सब संपन्न होने के बावजूद भी वहां के लोग बहुत दुखी है। सब मिल दे रावण ही गाली, वहां रावण को गाली दी जाती है, राज्य ये करता है लेकिन हमारी मृत्यु होती है। अयोध्या के लोग है ना, राम जन्म होता है तो बहुत नाचते भी हैं,
लेकिन राम का वन गमन होता है तो घर मसान परिजन जन भूता ऐसा दृश्य वहां उपस्थित होता है। लेकिन केवल जनकपुर के ही लोग वो हैं जिनके आंखों में आंसू भी आते हैं ना, तो आंसू भी आनंद के होते हैं। अगर सीता जी को विदा भी करते हैं ना तो वो आनंद के आंसू होते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, हमें चाहिए कि जीवन गलत नहीं है लेकिन जीवन जीने का तरीका अच्छा होना चाहिए। वास्तविक जीवन जीने लायक है, किसी भी अति पे मत जाना। मैं मानता हूं इंसान ने बहुत कुछ बनाया, लेकिन हमारा प्रश्न ये नहीं है कि इंसान ने क्या बनाया, हमारा प्रश्न ये है इंसान को किसने बनाया। वो कौन है जो सृष्टि का सृजन करता है? गोस्वामी जी उसको राम कहते हैं। ऋषियों के साथ चले हैं, गंगा स्नान किया, महीदेवों को दान दिया है। ये राम की संस्कृति है कि देश का सज्जन संपन्न होना चाहिए। जिस देश का सज्जन संपन्न होता है वहां राम राज्य की स्थापना होती है। और जिस देश में अनाचारी व्यक्ति, व्यभिचारी व्यक्ति जब किसी भी प्रकार से संपन्न हो जाते हैं तो फिर समाज में अशांति बढ़ती है और सामूहिक जब पाप बढ़ता है राष्ट्र पर आपदाएं आती है। इसलिए देश का राजा धार्मिक होना चाहिए। रामायण में लिखा है चाहिए धर्मशील नर नाउ। और फिर उसके बाद अब जनकपुर को देखा है, पुर नर नार सुभग सुचि संता। यहाँ जीवन मुक्त का ये प्रदेश है, यहाँ सब सिद्ध कोटि के लोग रहते हैं। जिसने सपने में भी कोई पाप नहीं किया है सबका जीवन एक दूसरे को मिलते हैं। तो जय किशोरी जी की ये शक्ति की आराधना करने वाले लोग हैं। ये भारत जो है ना नौ दुर्गाओं की पूजा करता है। इसलिए मेरे भाई बहन, नौ दुर्गाओं की पूजा करने वाले देश में भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। हमें भक्ति का दिखावा नहीं करना है, हमें भक्ति का दंभ नहीं करना है, हमें धर्म का आचरण करना है। और उसके बाद में फिर वहां कहां रहना चाहिए, वो कहते हैं भले ही नाथ कह कृपा निकेता। गुरु महाज्ञानी है, राम को दूर निकाल देते हैं। जनक को समाचार मिला है, सतानंद इत्यादि वशिष्ठ विशिष्ट लोगों को लेकर ये मिलने के लिए आए हैं। और फिर संवाद चल ही रहा था, राघव का आगमन होता है। उठे सकल जब रघुपत आए। यहां व्यक्ति का महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं होता, उसका व्यक्तित्व होता है। इसलिए मेरे भाई बहन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि वस्तु से ज्यादा महत्व सिक्के से ज्यादा महत्व वस्तु का होना चाहिए, वस्तु से ज्यादा महत्व व्यक्ति का होना चाहिए, व्यक्ति से ज्यादा महत्व उसके विवेक का होना चाहिए। और जहां विवेक को आदर मिलता है वहां राष्ट्र का निर्माण होता है।